नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश। आप देख रहे हैं ओके न्यूज़। बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में आरोपित 2.5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड विकास दुबे फरीदाबाद में पुलिस के हाथ से फिसल गया। हालांकि एक साथी हत्या चढ़ गया। वहीं हमीरपुर के पुलिस से हुई मुठभेड़ में विकास का साथी अमर दुबे मारा गया है। उधर विकास से संबंधों के शक में चौबेपुर के पूरे थाने पर कार्रवाई कर दी गई है। इसमें मंगलवार को 68 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि इसके पहले चौबेपुर एक सीओ, दो दरोगा व एक सिपाही को सस्पेंड और 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है। देखिए, अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया। उसमें मारी था कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम। पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, तो उसका मूवमेंट हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। तो जवाबी कार्रवाई की गई, इसमें ये व्यक्ति किसी हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में जैसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं लिए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है, जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है।